नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे शख्स के बारे में जो आजकल काफी वायरल हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आपने इन दोनों को सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन के बारे में। यह भजन तो आपने जरूर सुना होगा, सुना है ना, और अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर या इस तरह के गाने गाने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर है। क्या आपको इन दोनों के बारे में पता है? क्या क्या नहीं, अरे तो मैं बताती हूँ आपको। सचिन और परंपरा पति पत्नी है। इन दोनों की जोड़ी को सचिन परंपरा के नाम से जाना जाता है। सचिन परंपरा दोनों ही एक इंडियन सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। सचिन लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वहीं परंपरा ठाकुर दिल्ली की रहने वाली हैं। फिल्म कबीर सिंह तो आपको यकीनन याद ही होगी, साथ ही इस फिल्म का मोस्ट फेवरेट गाना बेख्याली को भला कौन भूल सकता है, वह गाना इन दोनों ने ही गाया था। साथ ही हाल ही में आई नोरा फतेह का गाना छोड़ देंगे, इस गाने को भी सचिन परंपरा ने ही अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा सचिन और परंपरा ने टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म में भी अपनी आवाज दी थी। ये तो हुई गाने की बात, अब इस कपल की जर्नी के बारे में बताते हैं। सचिन और परंपरा दोनों ही इंडियन रियलिटी शो वॉइस इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इस शो में ये ग्रैंड फिनाले तक भी पहुँच गए थे और वहीं से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन जब सीजन खत्म हो गया तब इन दोनों की मुलाकात भी बंद हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ऊपर वाले ने उनका साथ दिया। प्रोफेशनल सिंगर मीका सिंह ने एक पार्टी रखी थी और सचिन परंपरा दोनों को इसमें इनवाइट किया था। इसी पार्टी में इन दोनों की फिर से मुलाकात हुई और ये एक दूसरे के बहुत ही करीबी फ्रेंड बन गए। एक साथ सिंगिंग शो में परफॉर्म भी करने लगे थे और फिर इन्होंने शादी कर ली। तो ये तो बात हुई सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर के बारे में। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।